अच्छी लग रही हो आज। वो तो मैं हूं ही। यार जब मैं तुम्हें कहता हूँ अच्छी लग रही हो तो तुम्हें भी ऐसे बोलना चाहिए ना कि तुम भी अच्छे लग रहे हो। ये क्या होता है, वो तो मैं हूं ही। अरे नहीं नहीं यार, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम राजा बाबू लग रहे हो। पर तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला सा पड़ गया है, रंग सा उड़ गया है हाँ यार सच में, क्या खून की कमी है, तुम्हारी डोज पूरी नहीं हो पाती, दिन भर चूसती रहती हो। खून की कमी है। आगे आना थोड़ा, तो रैप दे दूंगी ना गालों पे, तो ऐसे टमाटर की तरह लाल हो जाएंगे गाल, ऐसा निखार आएगा ना, चमकते फिरोगे रेड लाइट की तरह। अपने पति पर हाथ उठाओगी तुम? शुक्र मनाओ हाथ ही उठाऊंगी, काम तो तुम्हारे लात खाने के हैं। हाँ बड़े खून की कमी हो गई है ना। काम तो वैसे मेरे हैं साले पिटने लायक, पता नहीं किस घड़ी में मैंने इसकी तारीफ कर दी। हे भगवान यार, थोड़ा तो रहम किया करो। पता है आजकल के जो इंडियन हस्बैंड है ना, अगर वो अपनी वाइफ के लिए कार का दरवाजा खोल रहे हैं ना, या तो उनकी कार नहीं है या फिर उनकी वाइफ नहीं है ना। या हो सकता है वो उसकी वाइफ ही नहीं है। क्या कहा तुमने? ये घूम फिर के जो तुम्हारा छिछोरा दिमाग है ना, बातों में झलक ही जाता है, कोई ढंग की बात नहीं आती तुमसे करने। अरे यार तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, इसमें मैंने क्या कह दिया तुम्हें? नहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा, दूसरों की वाइफ के लिए तुम दरवाजा खोलोगे है? मेरे लिए तो कभी नहीं खोला है तुमने आज तक। वही तो मैं कह रही हूँ, दिमाग में तुम्हारे भूसा यही तो भरा हुआ है, गंदगी जो भरी हुई है ये निकल कर आती है ना बातों में। सड़ा दिमाग खा लो, इसे खा लो तुम। क्या सोच रहे हो? यार मैं सोच रहा था कि तुम लड़कियों को कितना अजीब लगता होगा। क्यों? जब रिश्ते वाले तुम लोगों का रिश्ता लेके आते हैं और फिर जब लड़के वालों को लड़की पसंद नहीं आती है तो वो कैसे कैसे बहाने करके मना कर देते हैं रिश्ता। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा कैसे? अरे मेरा जो भी रिश्ता लेकर आया वो मेरे मुंह पे ही मना करके गया। क्या बात है, आज बड़ा मुस्कुरा रही हो। पता है तुम्हें, कोई अगर मुझसे पूछता है ना कि गुलाब का फूल कैसे खिलता है तो मैं तुम्हारे मुस्कुराने का किस्सा सुनाता हूँ। लेकिन गुलाब ही क्यों, गुलाब में तो कांटे भी होते ना, उसका किस्सा कैसे सुनाओगे? अब तुम मुस्कुराती थोड़ी ना रहोगी, कुछ बोलोगी भी तो ना। तो जैसे ही बोलोगी तो कांटों का किस्सा तो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। तुम नहीं कभी ढंग की बात कर सकते हो, उड़ जाओ मेरी नजरों के सामने से। वॉशरूम में जाके ना कपड़े पड़े हैं धो लो, नहीं तो मैं धो दूंगी ढंग से। समझ नहीं आ रहा, जो खुद धो देगी तो मुझे क्यों कह रही है धोने को? ओहो इस सिचुएशन में तो ये मुझे ही धोएगी, कपड़े नहीं धोएगी। क्या है